हेलो फ्रेंड्स, शोर 11 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे आईपीएल का जो मैच है मुंबई वेस्ट पंजाब, यहाँ पे मैंने दो टीम क्रिएट किया हुआ आप लोगों के लिए, एक ग्रैंड लीग की सजेशन दे रहा हूँ और एक स्मॉल लीग की। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए पूरा वीडियो को और आपको यहाँ पे जो भी अपडेट होगा, जो भी इंजर्ड प्लेयर होंगे या मुजीब जैसा कि लास्ट मैच में नहीं खेले थे, तो वो मैं अपडेट हमारे डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा मिलते ही कि वो पक्का खेलेंगे या नहीं। ओके, बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि दो टीम आप कैसे क्रिएट करोगे उस हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे लोग तो बनाते ही है टीम, बट मैं आपको इसको बता देता हूँ किस तरह बनाना है। अगर आप देखोगे तो लोकेश राहुल और ईशान किशन, राइट। लोकेश राहुल लास्ट मैच में उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, बट उनको भरोसा किया जा सकता है, वो अच्छा खेल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोकेश राहुल के साथ जाइए, लोकेश राहुल ही बेस्ट है ईशान किशन से। फिर उसके बाद यहाँ पे बैट्समैन में आते हैं, तो बैट्समैन में गेल, सूर्य कुमार यादव, एविन लिविस, अरुण फिंच, ये चार ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। ये आपको ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शन। और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हो, जेपी दुमनी है। और एक चीज़ और, अगर पंजाब लास्ट मैच यहाँ पे हारी हुई है, ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि युवराज सिंह यहाँ पे कभी भी कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर उनको नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे, ये सवाल उठता है, राइट। तो उसके हिसाब से आप उनको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। हार्दिक पांड्या, स्टोनिस, ये आप ट्राई कीजिए। करुणाल पांड्या का बैटिंग आ रहा है लास्ट में, ज़्यादा हो एक दो ओवर बच रहा है, बॉलिंग में अगर विकेट मिले तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिले तो आप उन पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और अश्विन को तो आपने लास्ट मैच में देखा ही है, स्टोनिस उनसे बेहतर है। अगर विकेट गिरता है पंजाब का तो स्टोनिस का बैटिंग आ जाता है, वो काफ़ी अच्छे विकल्प है। तो अगर उनके बारे में कुछ अपडेट आता है, अगर मुजीब खेलते हैं, स्टोनिस बाहर होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। एंड्रू टाय, ठीक है, मैकलेगन, मार्कंडे और यहाँ पे मोहित शर्मा, ये बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये चार ऑप्शन के साथ जाइए। अगर आपको ट्राई करना है तो यहाँ पे बुमराह, ठीक है, और अगर स्टोनिस का कुछ होता है तो एडम मिलने को चांस भी दे सकती है मुंबई इंडियंस, लेकिन विनिंग टीम है तो हो सकता है कि ये ना चेंजेस करें। और मुस्तफ़िजुर रहमान जो बैठे हुए हैं उनको भी मौका मिल सकता है, ठीक है। राजपूत को आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर ओपनिंग या दो बैट्समैन टिक जाते हैं तो फिर पंजाब को विकेट नहीं मिलेगा। ये सब सोच के आप ग्रैंड लीग तैयार कीजिए, ठीक है। एक या दो टीम, तीन टीम क्रिएट कीजिए और उसमें से अच्छे से आप अपना लीग कर पॉइंट हिसाब से आप टीम क्रिएट कीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट करके अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करोगे तो हार्दिक पांड्या कैप्टन और अरुण फिंच वाइस कैप्टन, ये ग्रैंड लीग की टीम है तो इसमें हम किसी को भी ले सकते हैं रिस्क। अगर आप चाहे तो अरुण फिंच को कैप्टन रख के स्टोनिस को भी वाइस कैप्टन रख सकते हो, राइट, अगर वो खेलते हैं। और यहाँ पे अपडेट आएगा तो मैं कर दूंगा कि वो पक्का खेलेंगे या नहीं, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन देखिएगा मैच के 1 आवर्स पहले। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड्रू टाय हर एक मैच में 2 या 3 विकेट 4 विकेट ले रहे हैं, लास्ट मैच में भले ही नहीं लिया है लेकिन इस मैच में ले सकते हैं आप, वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छे विकल्प हैं। ओके, गेल को तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है, लास्ट 3 मैचों से तो उनका परफॉर्म ही नहीं आ रहा है तो आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, कभी भी कमबैक कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि एक स्मॉल लीग की टीम मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया हूँ, वो टीम सिर्फ प्रीव्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। राहुल लेविस लास्ट मैच में खेला है, सभी लेंगे। फिंच, यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, करुणाल पांड्या, स्टोनिस, एंड्रू टाय, मैकलेगन, मोहित शर्मा, ठीक है, ये सब विकल्प है आपके लिए, ये स्मॉल लीग के लिए, ठीक है। आप अगर चाहे तो यहाँ पे रोहित शर्मा की जगह निकाल के अच्छे बॉलर भी ले सकते हो, ठीक है, बैट्समैन भी आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। तो होता है इसमें स्मॉल लीग में, अगर स्मॉल लीग की बात एक ही बात बोलूँगा कि भले ही कैसे हो, चाहे 2 लोग में खेलो चाहे 3 लोग में खेलो, राइट, बट अगर एक प्लेयर कोई अगर चेंजेस होता है, अगर वही एक प्लेयर चल जाता है तो आप 1 साइड जीत जाते हो। तो इसमें स्मॉल लीग में कोई ब्लेम नहीं, कोई नहीं, ये इसमें एक प्लेयर चला तो आप जीत गए, सामने वाले 2 में नहीं रहा तो आप जीत गए, राइट। तो उसके हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जल्दी हम फुटबॉल्स के और बाकी जो मैचेस है उसका अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।